नमस्कार दोस्तों, तो अपने इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क्स थ्योरम में हमारे जो टर्म्स यूज होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्या इनकी मीनिंग होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर बेसिक सबसे पहले बात करेंगे तो हम कहते हैं नेटवर्क्स थ्योरम, तो पहली चीज तो हमें ये समझना होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो अगर मैं बेसिक किसी भी नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क क्या होगा, कोई भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे कि आपके पास लीनियर इंपीडेंसेस हैं, पावर सोर्सेस यानी कि जनरेटर्स हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो सर्किट कंप्लीट होता है, जो बनके तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। तो नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ नहीं है, बस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंपीडेंसेस एंड जनरेटर्स। अब नेटवर्क को हमने डिफाइन किया तो हमारे पास दो और टर्म्स आ गए। दो और टर्म्स कौन कौन से आ गए, पहली चीज तो इंपीडेंसेस और जनरेटर। इंपीडेंसेस में लीनियर इंपीडेंसेस भी होते हैं और इंपीडेंसेस, बेसिक इंपीडेंस क्या है, लीनियर इंपीडेंस क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। तो अगर सीधा मैं आपसे पूछूं कि आप इंपीडेंस को कैसे डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, देखिए इंपीडेंस क्या है, किसी भी आपके एसी सर्किट में जो एसी सर्किट आपका करंट की फ्लो की फ्लो को अपोज करता है, यानी कि उसके फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंपीडेंस। अब ये इंपीडेंस क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका किसका, रिएक्टेंस का, आपके कैपेसिटेंस का और इंडक्टर का। तो बेसिक बात करें इंपीडेंस, तो इंपीडेंस क्या है कि अपोजिशन। लेकिन लीनियर इंपीडेंस की बात करेंगे, यहां पर मैंने इंपीडेंस बताया लेकिन लीनियर इंपीडेंस होगा और जनरेटर होगा। तो अगर मैं लीनियर इंपीडेंसेस की बात करूं तो लीनियर इंपीडेंसेस क्या होंगे, तो लीनियर इंपीडेंसेस की बात करते हैं कि लीनियर इंपीडेंसेस क्या है। लीनियर इंपीडेंसेस वो इंपीडेंसेस हो सकते हैं, अब वो चाहे रिएक्टेंस हो या इंडक्टेंस हो या आपका कैपेसिटेंस हो, जो सर्किट में यूज करें, या अगर कोई कॉम्बिनेशन हो, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। बात ये है कि अगर लीनियर इंपीडेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आप जो यूज कर रहे हैं इंपीडेंस, उसका क्या होना चाहिए कि आप जब सर्किट में करंट का फ्लो कराएं, यानी कि आपकी जब करंट फ्लो होगी तो उनकी वैल्यूज टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, whose values does not changes with flow of current। ठीक है, यानी कि आपका जब सर्किट में करंट की फ्लो होगी तो क्या होना चाहिए, इनकी वैल्यूज, इन इंपीडेंसेस की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर चेंज नहीं हो रहे होगी तो वो इंपीडेंसेस क्या कहलाएंगे, लीनियर इंपीडेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जनरेटर्स की। जनरेटर्स बेसिक क्या होते हैं, देखिए जनरेटर्स आपके एनर्जी सोर्सेस होते हैं। अब एनर्जी सोर्सेस है यानी कि पावर सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, तो अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो आपका ये वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी नेटवर्क में आपको अगर करंट, अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है तो किसकी वजह से फ्लो हो रही होगी, या आपके पास कोई ना कोई सोर्स होगा जो उसको जनरेट कर रहा होगा, वो सोर्स क्या कहलाएंगे, या तो वो कहेंगे वोल्टेज सोर्स होंगे या तो करंट सोर्स होंगे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे नोड्स और ब्रांचेस की। तो उसको समझने से पहले तीन टर्म्स हमने समझे, तो इनको पहले हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास कोई एक नेटवर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होना चाहिए नेटवर्क में, लीनियर इंपीडेंसेस और जनरेटर्स। तो जनरेटर्स की मैं बात करूं, पावर सोर्सेस हो गए, मान लीजिए पावर सोर्स मैंने बना लिया, फिर इंपीडेंसेस होंगे, मान लीजिए मैंने इंपीडेंसेस बना लिए, ऐसे तीन इंपीडेंसेस मैंने चूज किए। ठीक है, ये मैंने नेटवर्क सिस्टम एक बना लिया, ये एक जो सिस्टम बन के तैयार हुआ ये इंपीडेंसेस है। लीनियर इंपीडेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, Z1, Z2 और Z3। तो ये जो एक पूरा बन के नेटवर्क, ये जो सिस्टम तैयार हुआ किसके किसके वजह से, लीनियर इंपीडेंसेस और जनरेटर की वजह से जो ये सर्किट बन के तैयार हुआ, इसको टोटल हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, नेटवर्क। ये आपका क्या है, जनरेटर, और ये आपके हो गए लीनियर इंपीडेंसेस। ठीक, तो अब हम नोड्स और ब्रांचेस को समझना चाहें तो क्या कहेंगे हम कि नोड्स क्या होते हैं। तो नोड्स क्या होगा कि जहां पर आपके दो या दो से ज्यादा
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी कि जैसे लीनियर इंपेडेंसेस, अगर जहां पर वो मिल रहे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। नोड्स को आप समझ सकते हैं तिराहा या चौराहा, जहां पे दो या तीन आपकी रूट्स आपस में मिल रही हो, मीट कर रही हो। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो आप बता सकते हैं कि नोड्स कहाँ कहाँ पे होंगे। अगर मैं इसको बात करूं तो ये आपका एक नोड होगा, ठीक है, ये आपका एक नोड होना चाहिए। क्यों? देखिए ये नोड यहाँ पे मैंने क्यों बनाया, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ था यानी कि Z2, लेकिन ये देखिए आपका एनर्जी सोर्स तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये Z3 इस एनर्जी सोर्स से भी तो अटैच्ड है, तो यानी कि यहाँ पर भी एक नोड बना। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B, तो A और B मेरे क्या हो गए, नोड्स, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि A एंड B आर नोड्स, अब किन्हीं दो नोड्स को जो ब्रांच ज्वाइंट कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, या दो ब्रांच की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो दो नोड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी जो लाइन, वो क्या कहलाएगी, हमारी ब्रांच। यानी कि अगर मैं टोटल देखूं, एक नोड जो हमारा ए था, एक बी है, इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन ए बी, तो ये जो लाइन ए बी होगी, ए बी लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच। मतलब ब्रांच क्या है, जहां पर जो हमारे नोड्स हैं उन नोड्स को अगर हम कनेक्ट करें तो वो जो क्रिएट होगी लाइन, उसको क्या बोलेंगे, ब्रांचेस, ठीक है। अब पॉइंट आता है हमारे पास लूप एंड मेस। तो लूप और मेस क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस नेटवर्क को आप अच्छे से देखिए, तो यहां पर मान लीजिए करंट का फ्लो हो रहा होगा, यहां पर भी करंट का फ्लो होगा, तो लूप क्या है, लूप होगा कि आपका एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर एक जो करंट फ्लो हो रही होगी, कंप्लीट सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो कंप्लीट सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी, तो एक वो पूरा कंप्लीट सर्किट जहां पर करंट का फ्लो हो रहा है, वो पूरा सर्किट आपको क्या कहलाएगा, लूप। तो ये हो गया हमारा क्या, लूप, यानी एक कंप्लीट सर्किट जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाएगी, लूप। बात करेंगे मेस, तो मेस क्या होगा, एक लूप जितना आपका एरिया कवर करता है, इनक्लोज करता है, वो आपका क्या कहलाएगा, मेस, ठीक है। तो अगर मैं लूप की मेस की बात करूं, तो मेस क्या हुआ, मेस इज एरिया इनक्लोज्ड बाय अ लूप, या विद इन अ लूप लिख सकते हैं, विद इन अ लूप ज्यादा अच्छा रहेगा, विद इन अ लूप, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या है, एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क। तो अगर मैं एक्टिव और पैसिव नेटवर्क की बात करूं, तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर मैं एक्टिव नेटवर्क की पहले बात करता हूं, तो वो नेटवर्क एज कोई ऐसा नेटवर्क जो क्या करेगा, पावर सोर्सेस या एनर्जी सोर्सेस को कंटेन करता है। यानी अगर मैं इस नेटवर्क को देखूं, तो इस नेटवर्क में आप क्या कहेंगे, इस नेटवर्क को आप एक्टिव कहेंगे या पैसिव, तो इस नेटवर्क को हम एक एक्टिव नेटवर्क कहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास एनर्जी सोर्स क्या है, यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो ऐसा कोई भी नेटवर्क जहां पर हमारे पास एनर्जी सोर्सेज या पावर सोर्सेज गिवन है, सर्किट में है, एग्जिस्ट करते हैं, उन सर्किट्स को क्या बोलेंगे हम, एक्टिव नेटवर्क्स। पैसिव नेटवर्क कौन से होंगे, जहां पर हमारे पास एनर्जी सोर्सेज या पावर सोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं केवल इस सर्किट को हाफ पोर्शन कर देता हूं, या मैं रीड्रॉ करता हूं, कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई सर्किट था, अगर मान लीजिए सर्किट में मैंने क्या किया है, ईवन जो हमारा था, या सोर्स हमने ईवन दे दिया, इसको मैंने ओपन सर्किट कर दिया, ओपन सर्किट किया मतलब इसको हटा दिया, तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो यहां से हमारे पास ये मिलेगा, अब देखिए हुआ क्या, यहां पर हमारे पास इंपेडेंसेस Z1, Z2 और Z3, अब यहां पर हमारे पास कोई भी पावर सोर्स या एनर्जी सोर्स नहीं है इस नेटवर्क में, नेटवर्क अब भी है ये, लेकिन इसके पास कोई पावर सोर्स या एनर्जी सोर्स नहीं है। तो ऐसे नेटवर्क जिनके पास पावर सोर्स या एनर्जी सोर्सेज नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे, पैसिव नेटवर्क। तो ये हमारे पास जो नेटवर्क है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव, और ये जो हमारा नेटवर्क था, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव, ठीक है। यहाँ पर हम एक पावर सोर्स और लगा सकते हैं, तो ये हमारा जो क्या हुआ, ये हो गया हमारा एक्टिव, और ये हमारा हो गया पैसिव नेटवर्क, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं,
तो आप जब आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे जो सुपरपोजिशन थ्योरम्स वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। थ्योरम्स हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, देखिए अगर हम किसी भी सर्किट में, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम करंट निकालना चाहें या इंपीडेंसेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहें, तो हमारे पास ओम्स लॉ है, केवीएल है, केसीएल है, उनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये जो नेटवर्क्स हैं धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं तो इनके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, और जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे क्या होगी कि वो कठिन होती चली जाती है। तो ये जो नेटवर्क थ्योरम है ये एक शॉर्ट वे है, एक शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराती है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उनमें वैल्यूज निकालना चाहे जो या इंपीडेंसेस की बात करें या करंट की बात करें उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो नेटवर्क थ्योरम है ये हमारे सर्किट्स में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इनको आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.